हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भैया चौंक ना मत, मम्मी का शॉल पहन के आया हूँ भाई। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मैंने कि मम्मी टोपे वोपे तो कुछ नहीं होगा, शॉल दो, गला भी ढकना चाहिए। बस चलो भाई, आज तो थोड़ा 7 बजे अभी 2 मिनट बची हैं, आज तो थोड़ा टाइम से निकल गया। देखते भाई टाइम से पहुँचूंगा नहीं पहुँचूंगा, पहुँच जाऊँगा वैसे तो। हाँ लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बताओ यार, कोहरा ही कोहरा आस पास, बिल्कुल भी मतलब 100 मीटर दूर का नहीं दिख रहा। बस चलो भाई चलते हैं अपना कॉलेज, वहीं पे आगे कंटिन्यू रखेंगे इसे। भाई साहब अपने स्टॉप पर पहुंच गए भाई, कसम से आज तो भाई शॉल ने बचा लिया, नहीं तो भाई आज इतनी ठंड थी मेरे दूसरे हाथ सुन पड़ गए। हाथ भाई, हाथ तो कवर नहीं करे, मैं ग्लव्स नहीं पहन के आया, लेकिन भाई जो भी गए उनने बचा लिया बस आज। A few moments later. चलो भाई बस कॉलेज तो पहुंच गए, देख लो भाई यहाँ पे क्या हाल है भाई, कोहरा ही कोहरा है हर जगह भाई, तीतर बन गया आज। आज तो लगभग आ ही जाएंगे सारे दोस्त, क्या कुछ आ नहीं रहे, बस एक आर्यन देवेश ये सब नहीं आएंगे, बाकी लगभग सारे ही आ जाएंगे, एक आध एबसेंट होगा क्योंकि वो थोड़ा लेट आएंगे ना, उनका घर भी दूर है, एक भाई तो अपना टूर पे गए हैं, तो देखते हैं आज कौन कौन आता है फिर। भाई कॉलेज पहुंच गए, हम रेडी हो गए, लग गया क्या हुआ आपके साथ भाई? मुए मुए। भाई लकी भाई की वीडियो बन चुकी है ये। A few moments later. भाई किचन में आ गए, आलो भाई क्या क्या बना रहे हैं आज हम? पालक पनीर भाई हम बना रहे हैं, क्रीम ऑफ स्पिनिच सूप, साथ में कुछ ऑलिव सलाद। ये भाई अपनी मन चलाता है, जपनीत भाई आप हमने वो लगा रखे ना, हाउसकीपिंग वाले क्यों, ये हमारी एग्जीक्यूटिव शेफ, डमी शेफ है, नहीं डमी शेफ नहीं हूँ, क्या बता रहे थे? अच्छा डीनो जेम्स शेफ। अबे सूसा भाई कैसे बात कर रहा हूँ? अबे यार सूसा गंदा वर्ड सा लगता है, सूसू। देख लो भाई ध्यान से, तुम्हें जिंदगी में देखने को नहीं मिलेगा, ये अंग्रेजी खीरा है और ये बेबी कॉर्न है जो तुमने जिंदगी में देखा भी नहीं होगा, टेंशन मत लो। दिखाओ यार जपनीत भाई को, हमने हाउसकीपिंग बना रखा है। जपनीत ये तो साफ करना है, सुन पहले ट्रे सारी धुल रहा है, इनको साफ कर जल्दी, पूरी ये वाली पूरी टेबल साफ होनी चाहिए। इससे दोनों टेबल साफ करवाई हमने, दोनों टेबल भाई, इस बात का घमंड है। भाई नहीं भाई रिपोर्ट नहीं भाई, देखो यहाँ पे क्या है, ये मांसाहारी इंसान है ये सारे, हमें आज ही पता चला। नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा यार, बोलना पड़ेगा सर से, पता नहीं क्या क्या बनवा रहे हैं, चिकन टिकन, सरसों का साग बनवाओ, मक्की की रोटी बनवाओ, साथ में गाजर का हलवा, बाद में डेजर्ट में क्यों दिया? डेमी शेफ देमी भाई ये अनपढ़ गांव आ रहा है, इससे कुछ बात मत करे करो भाई। देखो हमें सर्फ का पानी मिल चुका है इसमें सर्फ एक्स नहीं भाई, टाइड है इसमें भाई, नहीं मेरे को लग रहा वो है फेना ही लेना, हाँ फेना ही लेना, इसमें हम पालक डालेंगे, ओए ओए इसमें वो मिलाया ना सरने पानी में, फेना ही लेना पानी में, सरने सर्फ एक्सल मिलाया ना, शकल भाई ऐसी लग रही है, इसमें अब पालक मिलेगा, उससे बनेगा पालक का पानी, वो पियेंगे हम। देख लो ये हो रहा है, सुन चला पूरी टेबल साफ कर। दीपक भाई टेस्ट करके बताओ कैसा बना? अच्छी बढ़िया। देख लो भाई हमारा सलाद और साथ में चिकन है, रोस्टेड चिकन, साथ में स्पिनिच सूप सही है लगभग, देखो पनीर डाल दूंगा, पालक पनीर बन जाए, टेंशन मत लो, बस क्रीम बनानी है। ये देखो डेमी शेफ काम चोर, दो डेमी शेफ जबनी भाई हमारी सीजनी यूजिंग सब बेहतरीन थी, कहर थी भाई, कैसी थी? बहुत कहर भाई, इनका अगर तुम स्टोरी देखोगे ना ऐसा आएगी बेचारे। आज जपनीत भाई को हमने काम वाली भाई बनाया। अरे इसकी ऐसी की तैसी। जपनीत भाई आपके साथ क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? क्या हो गया जपनीत भाई? जपनीत भाई के साथ ये क्या हो रहा है? इनके
भाई देख लो हमारे शेफ हमें 20 रुपए का देखेगा यहाँ से भाई 20 रुपए पेटी आती है इतने में कैसा इसको रख लो उमेश ने दिया है 20 रुपए अभी भाई उमेश शेफ ने दिया है तो वैल्यू और बढ़ गई ना हाँ तो पेन निकालो पकड़ लो कम से भाई 50 का 50 की भाई कम से कम भी दो पेटी एक कोल्ड ड्रिंक एक समोसा होनी चाहिए भाई होनी तो चाहिए भाई भाई ऐसे नहीं शेफ को हमें वो देने चाहिए थे 10-20 लिफाफा देने चाहिए था एक यार देखो आज हमारी उमेश शेफ का राज है था मैं दिख रही हूँ वैसे नहीं दिख रही है ना दिख रही हूँ दिख तो रही है तो आज उमेश शेफ का राज है था अच्छा। तो सर ने हमारे को एक मिनट यार तोहफा दिया सर ने हमें ये पेन दिए हाँ। बहुत इमोशनल हो गए यार मुझे तो ऐसा फील हो रहा था है दिया आंसू आ गए दिया दिया फुट रही थी मैं बहुत दुखी हो गई थी पागल बना रही है डेमी शेफ बन के बड़ा खुश हुई थी आज ये पागल बना रही है कसम से भाई लंच करके तो आ गया लेकिन भाई आज थोड़ा लेट पहुंचा था क्योंकि शेफ ने थोड़ा लेट ही छोड़ा था अपने किचन से सबसे भाई पागल बनती हो गई हमारे साथ राजमे की सब्जी में राजमा ही नहीं दिख रहा चाटना पड़ रहा है भाई नीचे से ला के अरे भाई मैस का खाना थोड़ा ऐसी है मैं तो भाई आज तो घर में कुछ फेस्ट आज वो है ना क्या कहते हैं मकर संक्रांति तो मम्मी ने बोला कि भाई पूजा करने के बाद कुछ खाना वाना बनाएंगे तो आज बोला कि भैया मैस का खा लियो और आज ही भाई सुहा हो गया मेरे साथ A few moments later. ससुरे खा ले एक तो तेरे को गर्मा गर्म रेबड़ी दे रहे निकाला खा नहीं रहा वो उन्होंने तो खा भी लिया बैठ जा गेम कर ले भाई भैया पबजी खेल ले क्लास में कोई नहीं है हम जाके क्या करेंगे होता तब जाके क्या करते नहीं है तो अभी भी जाके क्या ही करेंगे पबजी खेलो मौज करो मंदी भाई आपको प्रपोज कर रहा था ये करो तो हेलो कर आजा ओ भाई मंदीप भाई को प्रपोज कर रहा है आजा अरे यार बताओ मंदीप पे ज्यादा लावला है वो रुक जाए मंदीप से भाई सच्चा इश्क करता है वैसे इसका नाम प्रणय है कसम से ओए आना क्या इसका नाम प्रणय राजपूत है कर रहा हूं ए फ्यू मोमेंट्स लेटर बंद कर दे थोड़ा सा खोल दे पूरा खोल दे भाई देखो ये शटर बंद कर रहा है अब तो खोलना दे खोल दे पूरा भैया चलो बस आने वाली है अब चलो बस में मिलते हैं बस उस दिन भाई वैभव भाई की थोड़ी वीडियो बन गई थी आज मंदीप भाई की बन गई है ओ पे लगी है भाई कदम से अरे दिखा दिखा तुझे मैं दिखाऊं ये लगती है अबे देख इतना दूर जैसे ये कह रहा हूं मैं ये देख वैसे यार आज तो बार बार मोए मोए हो रहा था जैसे बनाने को जा रहा था व्लॉग तब कभी ना कभी तो कोई टीचर आ रहा था किचन में बाहर तो ये इसलिए आधे दूरी थोड़ी बहुत बन पाई लेकिन जो भी है भाई बन तो रहा है ना जैसे भी बनना है डेली डल रहा है बस यार तुम्हारा काम है यार चलो सब्सक्राइब करो शेयर करो चलो बस यार भाई अपने स्टॉप पर तो उतर गया लिटरली यार हवा भी चल रही है अब ऑटो से तो जाना पड़ेगा भाई मम्मी का शॉल ही ओढ़ रहा हूँ भाई इसमें जो ओढ़ के आया था बस तब पहन के फिर चलता हूँ चलो भाई कसम से सुबह मम्मी के शॉल नहीं कवर किया था नहीं तो कॉलेज में तो भाई मैं अधमरा जाने वाला था आज भाई सुबह इतने ज़्यादा भाई कोहरा था ना तीतर बन गया था भाई बिना मतलब मैंने शॉल ओढ़ रखा उसके बाद भी भाई पागल बन गया भाई ठंड के मारे चलो भाई शॉल वॉल सब ओढ़ लिया अपने ऑटो पोड़ के अब घर चलते हैं भाई घर जाना है आराम से रजाई में बैठेंगे चलो भाई बस हमने स्टॉप पे उतर गए भाई समझे जाड़ा लग रहा है जाड़े के साथ साथ भाई भूख भी लग रही है यार चलो यार क्योंकि ऐसा वैसा तो कुछ खा नहीं सकता घर जाके फल फ्रूट ही खाऊंगा भाई हम अपने अंतिम स्थान पर तो पहुंच चुके हैं अब मैं घर पहुंच चुके हैं गलती से जैकेट उतार दिया थी तो थोड़ा जाड़ा लगना चालू हो गया अब चेंज करके बस रजाई में बैठते हैं भाई नहीं तो हवा टाइट हो जाएगी कल भाई कॉलेज भी नहीं जा पाएंगे और कल तो जाना है भाई कल बेकरी का है कल स्वाद स्वाद चीज़ खाने को मिलती है भाई बेकरी के दिन चलो भाई अपना बस चेंज वेंज सब कर लिया मैं थोड़ा डिनर करके थोड़ा बाहर आया हूँ भाई आज पुलाव
मतलब पुलाव क्या तहरी थी भाई, तहरी आज वो दिखाने में, क्योंकि आज मकर संक्रांति है तो चावल की चीज़ बनती है। बस अब मैं भाई थोड़ी देर टहल के भाई अपना हाजमा कर रहा हूँ भाई, क्योंकि भाई मेरे को तो एक दो दिन से वैसी गैस ज़्यादा बननी है, तो बस इसलिए भाई टहल रहे हैं ताकि भाई अपना सब कुछ वो ठीक हो जाए जल्दी। टहल के बस घर जाके अब एडिटिंग करूँगा। फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, पसंद आए तो लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।